आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला पर आए गए क्वेश्चन के बारे में, आंसर की या उसका आंसर क्या है इसके बारे में। आपको पता ही है कि सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का परीक्षा 28 जुलाई 2019 में संपन्न हुआ है। जहां तक ये उत्तर है, अपने दिमाग से सॉल्व करके उसके बाद इसको पुस्तक से मिलान करके ये सामने आपके पेश कर रहा हूँ। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो भौतिक शास्त्र से है, इसमें जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं 8.4 मिली हेनरी स्वप्रेरकत्व एवं 6 ओम प्रतिरोध वाली, इस क्वेश्चन का जो आंसर है इसका आंसर है 1 मिली सेकंड। दूसरा जो क्वेश्चन है, एक टेलीविजन ट्यूब में एक इलेक्ट्रॉन पुंज क्षैतिजतः दक्षिण से उत्तर की ओर गति कर रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर है पूर्व की ओर, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है, एक कण एक वित्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति कर रहा है, यदि इस कण की वृत्त पर किसी बिंदु के परितः कोणीय चाल ω1 और वृत्त के केंद्र के परितः कोणीय चाल ω2 दिया है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों आपस में बराबर होंगे। अगला जो क्वेश्चन है, स्थिर समुद्री जहाज से समुद्र तल की गहराई 2900 मीटर दिया गया है, इसका जो पानी में ध्वनि की चाल है ये जो पूछा गया है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1450 मीटर प्रति सेकंड। अगला जो क्वेश्चन है, दो समांतर धारावाहिक चालकों के मध्य प्रति इकाई लंबाई का बल तथा उनके मध्य की दूरी का आलेख क्या होगा, तो ये आलेख होगा इसका आयताकार अति परवलय। अगला जो क्वेश्चन है, एक समतल उत्तल लेंस दिया है, फोकस दूरी दिया गया है और बोलता है कि एक साइड को क्या किया गया, किस पॉलिश कर दिया गया है, तो अब एफ क्या होगा बोलता है, तो इसका जो आंसर है वो 10 सेंटीमीटर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराते हैं और यह गेंद रेत में 1 मीटर धंस कर रुक जाती है, तो क्या होगा इसमें, तो इसमें सिर्फ केवल संवेग संरक्षित रहता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है, जल विद्युत शक्ति उत्पन्न कर रहे बांध पर पानी 100 मीटर की ऊंचाई से 1000 किलोग्राम/सेकंड की दर से गिर रहा है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इस पर जो जितना भी आंसर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इसका पूरा फुली सॉल्व्ड आंसर जो है मैं इसके बाद ही अपलोड करूँगा, अगले 1-2 दिन में उसको भी मैं अपलोड कर दूँगा। तो मेरे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिएगा, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगर अपलोड करूंगा तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर इंस्टेंटली पहुंच जाए। अगला जो क्वेश्चन है, एक निश्चित लंबाई के एल्युमिनियम के तार को खींचकर उसका व्यास आधा कर दिया जाता है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो इस प्रतिरोध जो होगा वो 16 गुना बढ़ जाता है। कैसे होता है डिस्क्रिप्टिव में बात करेंगे। एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण ए है तथा प्रिज्म के अपवर्तनांक कॉट ए बाई टू करके दिया गया है, न्यूनतम विचलन कोण ऑप्शन नंबर ए 180° -2a होगा। दो द्रव ए और बी की प्रकाश तरंग दैर्ध्य क्रमशः दिया गया है और क्रांतिक कोण का मान पूछता है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए 30°। अगला जो क्वेश्चन दो जो दिया गया है, दो ऊर्ध्वाधर समतल दर्पण एक दूसरे से 60° कोण पर झुके हुए हैं, क्षैतिज दिशा से आती हुई प्रकाश की किरण पहले एक दर्पण से परावर्तित होगा फिर दूसरे दर्पण से परावर्तित होगा, तो इस किरण का परिणामी विचलन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए है 240 का। कैसे होगा डिस्क्रिप्टिव में देख लेंगे। एक वस्तु 5 मीटर/सेकंड की चाल से 9 मीटर की दूरी पर स्थित 1 मीटर फोकस दूरी अवतल दर्पण की ओर गति कर रहा है ना, अवतल दर्पण, समतल दर्पण नहीं दिया है आपको, तो आपको बोलता है प्रतिबिंब की औसत चाल क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 1/10 मीटर/सेकंड से। अगला जो क्वेश्चन है, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस के संपर्क में रखा जाए तो संयोजन जो बनता है उसका पावर क्या होगा, क्षमता क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए -1.5 डायोप्टर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज दिया गया है, सेतु दिया गया है और पी का वैल्यू क्यू आर एस सब का यह वैल्यू दिया गया है और संतुलन प्राप्त करने के लिए, यहाँ पर संतुलन की स्थिति में नहीं है व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको संतुलन में लाने के लिए एस के साथ एक संत लगाते हैं तो उसका प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा 8 ओम। अगला जो क्वेश्चन, इस प्रकार से फिगर दिया गया है और पूछता है कि ये 2 एम से जुड़ी रस्सी में तनाव क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2/3 mg हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है, तो इसमें से कौन सा सदिश राशि हो जाएगा, धारा घनत्व सदिश राशि होता है, बाकी सभी
अदिश राशि होती है, स्केलर प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होता है, धारा घनत्व जो करंट डेंसिटी होता है वही वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक किलोवाट घंटा किसके समतुल्य होता है, तो 3.6×10^6 जूल पढ़े होंगे, इसको लिख दिया गया यहाँ पर 36×10^5 जूल, जो कि सेम है ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है 19, एक स्वरित्र की आवृत्ति 256 हर्ज दिया गया है और हवा में ध्वनि का वेग दिया है 344 मीटर पर सेकंड, तो 32 कंपन पूरा करने पर कितना समय लगेगा, तो यह हो जाएगा 43 सेकंड लगने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है, दिखाए गए परिपथ में ए और बी आदर्श अमीटर और वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा, तो यह वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 2 वोल्ट होगा, कैसे होगा डिस्क्रिप्टिव में ही बात कर लेंगे अच्छा से। एक कुंडली की लंबाई अपरिवर्तित रख कर उसमें फेरों की संख्या को दोगुनी कर देंगे तो स्वप्रेरकत्व का मान कितना गुना बढ़ने वाला है, ये ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, तो 4 गुना बढ़ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है, दीवार के सम्मुख 17 मीटर की दूरी पर खड़ा एक लड़का 10 ताली प्रति सेकंड बजा रहा है और वो नोटिस करता है कि उसकी ताली बजाने की आवाज़ तथा प्रतिध्वनि का आवाज़ एक साथ बजता है, तो ताली बजाना बंद करने पर केवल एक बार ही प्रतिध्वनि सुनाई देगा उसको, तो ध्वनि के चाल का मान क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 340 मीटर पर सेकंड। अगला जो क्वेश्चन है, एक आर त्रिज्या एवं एन फेरों वाली वृत्ति कुंडली में प्रवाहित धारा आई है तो उसके कारण से चुंबकीय आघूर्ण किस प्रकार से परिवर्तित होता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा आर स्क्वायर। अगला जो क्वेश्चन है, दर्शाए गए चित्र में आर बराबर 2.5 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में दक्षिणावर्ती गति करते हुए किसी कण के कुल त्वरण को किसी क्षण ए बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से व्यक्त किया जाता है, तो इस कण की चाल क्या होगी, तो इसके लिए आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर बी 4.65 मीटर पर सेकंड। डिस्क्रिप्टिव में ही अच्छा से बात करेंगे, अभी सिर्फ आंसर की देखते चलिए। गुरुत्वाकर्षण के नियम में राशि जी का मान क्या होता है, तो ये किस पर निर्भर करता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा, पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। आपको पता होगा जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट किसी भी वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता है। अगला जो क्वेश्चन है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड 45 ग्राम पानी को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने के लिए आवश्यक बर्फ की मात्रा कितना होगा, तो ये 10 ग्राम लगेगा, 10 ग्राम बर्फ आप मिला दोगे तो इतना 30 डिग्री से 10 डिग्री में चेंज हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मीय मान अधिकतम होती है, तो हाइड्रोजन का होता है, मैं पूरा डिटेल में बताऊँगा कि किसका कितना वैल्यू होता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में, डिस्क्रिप्टिव वीडियो में। अगला जो क्वेश्चन है, एक वस्तु को पृथ्वी की सतह से पलायन वेग के आधे वेग से ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपित किया गया तो वस्तु द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्या होगा, तो अधिकतम ये R/3 तक जा सकता है अगर उस वेग से फेंकेंगे, ऑप्शन नंबर बी। यदि किसी कमानी जो इसको स्प्रिंग भी बोलते हैं में धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, तो संकुचित हो जाता है। आपको पता होगा जब सेम डायरेक्शनल में धारा प्रवाहित करते हैं तो आपस में ये क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, तो अट्रैक्ट होने के कारण से ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, डिटेल में देखेंगे वहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन है, यदि +5 डायोप्टर के 2 लेंस कुछ दूरी पर इस प्रकार व्यवस्थित है कि तुल्य क्षमता हमेशा ऋणात्मक रहती है तो यह दूरी क्या होगी, तो इसके लिए जो आंसर आएगा 40 सेंटीमीटर से अधिक। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर्स से एक गोले का व्यास मापते समय मुख्य स्केल के पाठ्यांक का मान पी प्राप्त होता है, तो इसके लिए जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी P+QR। अगला जो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में एक सर्किट दिया गया है और 6 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान पूछा गया है, तो धारा का मान होगा ऑप्शन नंबर बी 0.48। एक्चुअल में ये 4.8 आएगा, कैसे आएगा देखेंगे, ये क्वेश्चन गलत दिया, मतलब ऑप्शन गलत है इसमें, मतलब ये क्वेश्चन पूरा गलत है, दावा पत्ति आप करना चाहें तो इसमें कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अपवर्तनांक n बराबर 1.47 के कांच का एक लेंस के द्रव में डुबाने पर अदृश्य हो जाता है तो वह द्रव क्या है, तो ये है ग्लिसरीन। ये क्या होता है एक्चुअल में, चलिए डिस्क्रिप्टिव में बात करेंगे, इसको छोड़ते हैं। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 4 सेंटीमीटर है और वास्तविक बनेगा। एक समान मंदन के अंतर्गत एक कण प्रथम 2 सेकंड में 200 मीटर तथा अगले 4 सेकंड में 220 मीटर की दूरी तय करे, तो इस कण का वेग 7 सेकंड के अंत में क्या होगा, तो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, फोकस दूरी एफ वाले एक अवतल दर्पण को जल में डुबा दिया जाए तो अब जल में इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो दर्पण का फोकस दूरी अपवर्तनांक पर डिपेंड नहीं करता है क्योंकि दर्पण परावर्तन नियम पर आधारित होता है ना कि अपवर्तन पर, तो उसका फोकस दूरी वही रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए एफ। जब प्रकाश
इसका आंसर डिस्क्रिप्टिव में बात करूंगा, इसको छूट गया है लग रहा है ये। अगला जो क्वेश्चन है, एक समान त्वरण के अंतर्गत एक वस्तु गति के चौथे सेकंड में 31 मीटर तथा छठे सेकंड में 43 मीटर की दूरी तय करे। तो प्रारंभिक वेग और त्वरण के बारे में पूछा गया है, 10 मीटर पर सेकंड और त्वरण होगा 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी, सौर पैनल की शक्ति निर्भर करती है, तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला जो क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु के लिए निम्न में से कौन सा दर्पण लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, तो अवतल दर्पण इसके लिए सही आंसर होगा। ठीक, अगला जब अब आते हैं रसायन शास्त्र पर, भौतिक पर 40 क्वेश्चन, 40 में से 40 इस प्रकार से आंसर होगा इसका। एक क्वेश्चन छूटा हुआ है, डिस्क्रिप्टिव में मैं बात करूंगा उसके बारे में। अगला आते हैं रसायन पर, रसायन ये पहला जो क्वेश्चन इसमें दिया गया, एसटीपी पर O2 का घनत्व 1.429 ग्राम प्रति लीटर दिया है, तो इसका आणविक आयतन क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22.39 लीटर प्रति मोल। अगला जो क्वेश्चन है, एक जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल नीला करेगा मतलब क्या होगा, वो लाल से नीला हो रहा है मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। एक जलीय विलयन है, लाल को नीला कर रहा है, तो ये अम्ल है, अम्ल ही लाल को नीला कर सकता है, तो सॉरी नीला कर देता है, उल्टा हो रहा है। निम्न में से कौन सा विलयन अधिक मात्रा में मिलाने पर यह परिवर्तन उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो नीला को लाल कौन कर सकता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कर सकता है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक में तत्वों के पहचान के लिए सेकने परीक्षण में अम्लीकृत सोडियम निष्कर्ष में फेरिक क्लोराइड विलयन के साथ लाल रंग प्राप्त होता है, तो लाल रंग जब नाइट्रोजन और सल्फर दोनों रहता है तो लाल रंग प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है, यौगिक अमोनियम क्लोराइड में कौन कौन सा बंध पाया जाता है, ये पूछा गया है आपको, तो इसमें तीनों बंध पाया जाता है, आयनिक बंध भी होता है, सहसंयोजी बंध भी होता है और उपसहसंयोजी बंध भी पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, नाइट्रो एल्केन और एल्किल नाइट्राइल इसमें कौन सी समावयता पाई जाती है, तो दोनों में देखते हैं तो ये क्रियात्मक, दोनों के क्रियात्मक समूह अलग है तो इसलिए इसमें क्रियात्मक समावयता पाई जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है, किसका आकार सबसे छोटा, ऑप्शन नंबर बी Si4+। अगला जो क्वेश्चन है, NO3- के भूरा मतलब ये नाइट्रेट के भूरा वलय परीक्षण में भूरा वलय का निर्माण किसके कारण से होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके कारण से भूरा वलय प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी के कारण। अगला जो क्वेश्चन है, कोयला के प्रकार दिया गया है तो किस कौन से प्रकार में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो एंथ्रासाइट में होता है, इसमें 96% तक कार्बन पाया जाता है, एंथ्रासाइट इसके लिए सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। विनेगर किसको बोलते हैं, सिरका, तो 5-8% एसिटिक अम्ल का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, जली विलयन, इसको बोला जाता है विनेगर। आप घर में अचार में या फिर नूडल्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें यूज करते हैं, आपको पता ही होगा। भास्मिक मूलकों के समूह थर्ड के समूह प्रतिकारक अमोनियम क्लोराइड के उपस्थिति में अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और अमोनियम क्लोराइड का कार्य क्या है, तो अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर स्ट्रांग होता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक होता है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के वियोजन को ये और कम कर देता है, ऑप्शन नंबर सी। आयरन के किस रूप में कार्बन की प्रतिशतता सबसे ज़्यादा होती है, तो ये कास्टिंग आयरन में होता है, ढलवा लोहा में कार्बन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत पाया जाता है, इसमें 5-6% कार्बन पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, अमोनियम मॉलिब्डेट से अवक्षेपित होने वाले मूलकों का युग्म कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी आर्सेनिक है और फास्फेट, यही अमोनियम मॉलिब्डेट से अवक्षेप होकर पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। अगला जो क्वेश्चन है, इथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर दो उत्पाद बनाता है, तो ये उत्पाद कौन कौन सा है, तो सोडियम इथॉक्साइड है और हाइड्रोजन है। कार्बनिक यौगिकों का पृथक्करण संशोधन नहीं किया जा सकता अवक्षेपण विधि के द्वारा, इसका पृथक्करण संशोधन नहीं किया जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, ये रिएक्शन दिया गया है और आपको बैलेंस करना है रिएक्शन को, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक दिया कंपोनेंट एक्स वाई जेड दे दिया गया है और इसका वैल्यू क्या होगा बोला जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 382। अगला जो क्वेश्चन है, 214.2 ग्राम सुक्रोज में 34.2 ग्राम सुक्रोज, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है ये, हालांकि क्वेश्चन इसको आप थोड़ा सा करेक्ट करना चाहेंगे तो करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन है तो गलत, आप इस पर दावा आपत्ति करना चाहें तो इसमें भी कर सकते हैं, आंसर निकलता है, लेकिन विलयन की मूलकता क्या होगी, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है, ए तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है और बी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है, तो अगर इन दोनों को आपस में मिलाएंगे या यौगिक बनाते हैं तो कौन सा सूत्र बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी Ab2 बनने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है, ट्राइटियम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अनुपात क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए 1:1 और 2:2 में ये होता है,
निम्न के मध्य कौन एक सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है कौन कौन सा सुमेलित नहीं है, तो पहला लाल कत्थई पोटेशियम, ये सुमेलित नहीं है। पोटेशियम बैंगनी कलर का होता है और पांचवा देखिए बैंगनी, इसमें स्ट्रॉन्शियम दिया हुआ है, तो ये सही नहीं है। आपको पूछा गया है ना सुमेलित नहीं है, बाकी कौन कौन सा सब सही है बोल रहा है, कौन सही नहीं है उसके सामने वाला, तो ऑप्शन नंबर बी एक और चार ये सही नहीं है। आप अगला जो क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, आइसोप्रीन का ही बहुलक होता है और नियोप्रीन होता है संश्लेषित रबड़ का, सिंथेटिक रबड़ का। अगला जो क्वेश्चन है, सूची वन को सूची टू से सुमेलित करना है और उसकी सहायता से सही उत्तर का चयन करना है, ठीक। आपको इसको मिलाना है, सबको मैच कॉलम है, ये मिलाते हैं तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, एक अफोर देखिए कार्बन सल्फाइड और आर्सेनिक सल्फाइड, पीला अमोनियम सल्फाइड में कार्बन सल्फाइड नहीं घुलता जबकि आर्सेनिक सल्फाइड घुल जाता है। एक ही ऑप्शन से आप इसको पकड़ सकते थे, ऑप्शन नंबर एक अफोर, बाकी कहीं पर नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया पर विचार करना है और आपको यहाँ पर तुल्यांक की मात्रा निकालना है। कोशिश किया मैं कि इसका आंसर फाइंड आउट कर सकूं, लेकिन जहां तक देखता हूं बुक में भी देखा तो इसका आंसर 158 ही आ रहा है और मैं भी सही था जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, 158 ही आ रहा था, लेकिन यहां पर ऑप्शन नहीं दिख रहा था इसलिए बुक से फिर करेक्ट करने की कोशिश किया, जबकि 158 ही आ रहा है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत है। इस पर भी आप दावा पत्ति लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ओ टू तथा एन टू ओ के मिश्रण का प्रयोग होता है, तो किस में होता है, सॉरी ये गलत आंसर लग गया है, निश्चेतक के रूप में होता है, करेक्ट कर लीजिएगा ना, 63 का ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन करेक्ट है निश्चेतक के रूप में। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न यौगिक का IUPAC नामकरण क्या होगा, तो इसका नामकरण में देखते हैं तो हेक्स 5-ion और 3-ion करके होने वाला है, ठीक। ये ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही आंसर है। 2.5 मोलल जली विलयन में विलेय का मोल प्रभाज कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 0.043, इसके लिए सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, बोरेक्स को गर्म करने पर कांच जैसे पदार्थ निर्मित होता है, इस कांच जैसे पदार्थ को सुहागा मनका के रूप में जाना जाता है, सुहागा मनका में क्या पाया जाता है, तो ये होता है ये ग्लासी बीड होता है जिसमें सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड B2O3, इसको बोरिक एनहाइड्राइड बोलते हैं और सोडियम मेटाबोरेट पाया जाता है इसमें, ये दोनों होता है इसमें। अगला जो क्वेश्चन है, एक यौगिक में 54.55% कार्बन का ये दिया हुआ है, तब बाकी बोलता है ऑक्सीजन है, तो यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र निकालना है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा C2H4O। कैसे निकालते हैं सभी को पता होगा, मैं जब डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाऊंगा वहां पर इसको अच्छा से समझाऊंगा। ग्लास विलय हो जाता है HF में, आपको पता होगा HF का आविष्कार बहुत लेट से हुआ था, कारण यही था कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव था, इसको स्टोरेज करने में प्रॉब्लम होता था, कोई सभी कंटेनर में रखते हैं तो वो उसमें पिघल जाता है, इवन ग्लास भी उसमें क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, इसी कारण से HF का डिस्कवरी बहुत लेट से हुआ था, तो इसका सही आंसर ग्लास विलय हो जाता है HF में। अगला जो क्वेश्चन है, थर्माइट प्रक्रम में अपचायक होता है, तो इसमें एल्यूमिनियम होगा, कार्बन के द्वारा कई एक ऐसे मेटल हैं जो उसको कार्बन से अपचयित नहीं हो सकता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम। यहाँ पर जो मैग्नीशियम होता है ये ज्वाला प्रदान करता है, मतलब यहाँ पर हीट देता है, एल्युमिनियम अपचायक होता है, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, सिल्वर का सामान वायु में रखने पर धीरे धीरे काला हो जाता है, मतलब इसको आप इन्वायरमेंट में एक्सपोज कर देते हैं वातावरण में तो धीरे धीरे काला हो जाता है। आपको पता होगा जैसे कि लड़कियां पैर में पायल पहनती हैं या चांदी का जो आभूषण होता है धीरे धीरे काला होता जाता है, एक्चुअल में होता क्या है, ये जो सिल्वर सल्फाइड होता है इसके कारण से काला हो जाता है, सिल्वर सल्फाइड का रंग क्या होता है, काला होता है। अगला जो है, निम्न में से कौन साबुनीकरण अभिक्रिया को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जिसमें देखते हैं एस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और सोडियम यहाँ पर एक एसिड का सोडियम का एसिड बनता है, एसिड का सोडियम लवण बनता है और एक अल्कोहल बनता है, तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं हम साबुनीकरण अभिक्रिया, और जब ये रिएक्शन को उल्टा कर देते हैं तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया, एस्टरीफिकेशन, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, नाइट्रोजन गैस का अवशोषण किसके द्वारा होता है, तो इसके लिए आंसर है फेरस सल्फेट का द्वारा इसको अवशोषित कराया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण क्लोरीन तथा निम्न में से किसके साथ अभिक्रिया के द्वारा होता है, तो शुष्क चूना के द्वारा, ठीक। याद रखिएगा
ये क्या होता है, शुष्क बिना बुझा हुआ चुना होता है, बिना बुझा हुआ चुना, तो इसमें ऑप्शन में एक ही। ऐसे गौर से देखेंगे आप तो देखिए, शुष्क बुझा हुआ चुना, बुझा हुआ चुना, बुझा हुआ चुना किसको बोलते हैं, H2O मिला देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड में, तो बुझा हुआ चुना जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और BCD तीनों ही क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो ऐसे ही ऑप्शन को निगलेक्ट करके आप सीधा सीधा ऑप्शन ए को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसके लिए जो सही कथन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, आयरन का ऑक्सीकरण हो रहा है जल का अपचायक, आयरन का ऑक्सीकरण हो रहा है, जल ऑक्सीकरण का कार्य कर रहा है और जल का अपचयन हो रहा है, ये तीनों सही है यहाँ पर, सत्य कथन पूछा है ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन है, चार छात्रों को जली बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के बीच होने वाले अभिक्रिया के अध्ययन के लिए कहा गया, एक परख नली में दोनों लवणों को मिलाते हैं तो क्या होता है, एक्चुअल में होता क्या है, बेरियम सल्फेट बन जाता है, और बेरियम सल्फेट जब बनता है तो सफ़ेद कलर का अवक्षय प्राप्त होता है, तो ये जो कि दिया है ऑप्शन नंबर मतलब चौथा कथन में आपको दिया गया है, एक सफ़ेद पदार्थ नीचे बैठ जाएगा, तो इसके लिए सत्य कथन है, आपको सत्य कथन खोजना है ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है, यदि कॉपर को वायु में खुला रखते हैं तो इसका चमकीला भूरा परत धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और उस पर एक हरे रंग की परत जम जाती है, मतलब क्या हो रहा है, इस पर रस्टिंग हो रहा है, मतलब असंक्षारण की प्रक्रिया है, तो ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कॉपर कार्बोनेट बना लेता है और H2O मतलब जो नमी होता है उसके साथ क्रिया करके कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लेता है, ऑप्शन नंबर डी। 77 अगला जो क्वेश्चन है, एक ए रसायन दिया गया है और इसका उपयोग अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, ठीक, और एक दिया है यहाँ पर, जब CO2 को ए के विलयन में प्रवाहित करते हैं तो दूधिया प्राप्त होता है, तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है और सोडियम कार्बोनेट से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कास्टिक सोडा जिसको बोलते हैं, तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है आपको OH का कंडीशन में, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन है, एक 5 मोलर H2SO4 का विलयन 1 लीटर से 10 लीटर तक तनुकृत किया गया है, तो इसके लिए जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, एक नॉर्मल, ठीक, कैसे आएगा डिस्क्रिप्टिव में इसको अच्छा से बात करेंगे। निम्न युग्मों के मध्य सम इलेक्ट्रॉनिक युग्म चयनित कीजिए, तो ये है साइनाइड NO2+, ऑप्शन नंबर बी, ये सम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है और मानव रक्त का pH मान होता है 7 से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 7.4 होता है और ये 7 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो pH मान यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अगला जो है जीव विज्ञान का पोर्शन, इस पर बात करते हैं, जब हृदय की धड़कन कम हो जाती है तो उसे कहते हैं, तो इसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, जब 60 बीट पर मिनट से कम हो जाती है ना, तो इसको ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है। निम्न में से किसका उपयोग स्थायी माउंट करने के लिए किया जाता है, डीपीएक्स का यूज करते हैं स्थायी माउंट करने के लिए। अगला जो है, शरीर की आपातकालीन ग्रंथि किसको कहते हैं, तो एड्रिनल ग्लैंड आपातकालीन, इससे एड्रिनेलिन हार्मोन स्रावित होता है, तो यही आपातकालीन हार्मोन होता है, इसी को इसलिए इसको एड्रिनल ग्रंथि को हम आपातकालीन ग्रंथि बोलते हैं। निम्न में से कौन सा पादप ऊतक पतली भित्ति वाला होता है, तो ये मृदु ऊतक है, सबसे कोमल जो टिप भाग होता है ना, जो हरा हरा होता है पौधे का, वो सब मृदु ऊतक होता है, जो कि पतली भित्ति वाला ऊतक होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है, 10 से 15 गुना आवर्धन के लिए प्रयोगशाला में कौन से सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, तो ये डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप होता है, इसका यूज किया जाता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का 45-90 गुना तक इसको कर सकते हैं, और फेज कॉन्ट्रास्ट तो बहुत ज़्यादा होता है, और इलेक्ट्रॉन तो कई लाखों गुना तक इसको मैग्नीफाई किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। मनुष्य के शरीर का तापमान नियंत्रित किया जाता है मस्तिष्क के कौन से भाग से, तो ये होता है हाइपोथैलेमस से। अगला जो क्वेश्चन है, नागफनी निम्न में से किस प्रकार के आवाज़ के प्रति अनुकूलित प्रदर्शित करता है, सबको पता होगा नागफनी कहाँ पर होता है, रेगिस्तान में होता है, मरुभूमि में होता है, ड्राई लैंड में, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अर्निथिन चक्र का अंतिम उत्पाद क्या होता है, यूरिया, अमोनिया, 2 मोल अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर यूरिया बनाते हैं अर्निथिन साइकिल के द्वारा, और ये साइकिल होता है यकृत में, ठीक। तो अगला जो क्वेश्चन है, डार्विन के सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए, प्रति पीढ़ी ज़्यादा जीव उत्पन्न करने वाले जीव जीवित रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं बोला था, ये पर्यावरण में जो बेहतर एडाप्टेशन करते हैं वो जीवित रहेंगे ऐसा बोला था। बाह्य आकारी की भिन्नता वंशागत नहीं होते, तो बाह्य आकारी की भिन्नता वंशागत नहीं होता, जो जीन फैक्टर होता है वो वंशागत होता है, तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र कृत्रिम प्रकार का है? तो धान का खेत कृत्रिम है, क्यों? धान का खेत मानव निर्मित होता है, इसको फसल जो फसल है वो मानव के द्वारा बनाया जाता है, तो ये पारिस्थितिक तंत्र कृत्रिम आर्टिफिशियल होगा। अगला जो है, वर्ज्य पदार्थों के प्रबंधन में निम्न में से किस विधि का उपयोग करते हैं? तो सभी का कर सकते हैं, इंसिनरेशन, रिसाइकलिंग, बायोलॉजिकल प्रोसेस, सभी के द्वारा हम जो वेस्टिंग मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, उसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं इसके थ्रू। अगला जो क्वेश्चन है, मनुष्य में गॉल ब्लैडर स्थित होता है, तो ये यकृत में पाया जाता है, जिसके राइट लोब में, यकृत के जो राइट लोब होता है वहाँ पर पाया जाता है। मनुष्य के लिए एंटमीबा हिस्टोलिका की संक्रामक अवस्था कौन सा है? तो ट्रोफोजॉइट सिस्ट होता है, जो सिस्ट होता है ना वो ड्राई कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाता, ये जो ट्रोफोजॉइट सिस्ट है 10 से 15 दिन तक ही सर्वाइव कर सकता है। तो ये अगर ये मानव शरीर के अंदर पहुंच जाता है तो ये क्या करता है, फिर अपना ग्रो करना शुरू करता है और मनुष्य को हार्म पहुंचाता है, इसको नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। ऑप्शन नंबर डी, ट्रोफोजॉइट सिस्ट। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो पाया, इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा हूँ मैं। अगला जो क्वेश्चन है, कलर ब्लाइंडनेस किसके डिफेक्ट से होता है? तो ये होता है रॉड्स, कौन तीव्र प्रकाश के लिए उत्तरदायी होता है और रॉड धुंधला प्रकाश, कम प्रकाश के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो कम प्रकाश पर दिखाई नहीं देता, मतलब यहाँ पर जो रॉड सेल होता है आँख के अंदर रेटिना में, वो डिफेक्ट रहता है, जिसके कारण से कलर ब्लाइंडनेस लिखा है ना, नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में बता रहा था। तो ये हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस कौनस के द्वारा होगा, रॉड्स कलर ब्लाइंडनेस है, तो ये तीव्र प्रकाश कौनस के लिए होगा ना, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा ये, ठीक, ऑप्शन नंबर ए होगा 95 में। अगला जो क्वेश्चन है, काला आजार किसके कारण होता है? तो ये होता है लिस्मानिया डोनोविलाई के द्वारा, ये ठीक, काला आजार इसके द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है, 97, निम्न में से कौन सी खाद्य श्रृंखला पौधों से प्रारंभ होती है? ठीक, तो पौधों से प्रारंभ सभी होंगे, क्योंकि पौधा ही क्या होता है, उत्पादक होता है, इसी से ही एनर्जी पैदा होता है, तो उपरोक्त सभी इसके लिए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हिपेरिन उत्पन्न किया जाता है, तो ये हिपेरिन जो होता है, ब्लड सेल में बहुत सारे कोशिकाएं पाए जाते हैं, जिसमें से एक सेल होता है मास्टर सेल के द्वारा हिपेरिन पैदा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है, ऑप्शन नंबर ए, 4 मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है एक हीमोग्लोबिन। अगला जो क्वेश्चन है, कोशिकाएँ अक्सर छोटी होती है, कथन क्या सही है? और सतही क्षेत्र में आयतन अनुपात को न्यूनतम करने के लिए क्या ये कारण भी सही है? तो हाँ, दोनों सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं, ठीक। इस प्रकार से ये टोटल जो साइंस सेक्शन है कंप्लीट होता है। अगला जो पार्ट है इंग्लिश का, तो इंग्लिश में से जो जो ढूंढने का कोशिश किया मैं, इसमें से जो करेक्ट एकदम करेक्ट आंसर है उसी को मैं यहाँ पर लिया हूँ, हो सकता है इसमें भी मिस्टेक हो, लेकिन जहाँ तक ये बुक से मिलान करके इसको मैं क्वेश्चन को दे रहा हूँ, ठीक। तो इसमें पहला नहीं पता, दूसरा इसमें देखते हैं, सी वॉच्ड द चिल्ड्रन ब्लैंक एज द प्ले इन पार्क, ब्लैंक में क्लोजली आएगा। अगला जो क्वेश्चन है, माई सिस्टर वोर ब्लैंक डिजाइंड ड्रेस, इसमें जग ब्यूटीफुली। अगला जो क्वेश्चन है, वन फेमिनिन जेंडर ऑफ मॉन्क, तो इसको बोलते हैं नन, ठीक, मॉन्क के फेमिनिन मतलब उसके स्त्रीलिंग को क्या बोलते हैं, तो नन बोलते हैं। अगला जो फेमिनिन जेंडर ऑफ डक, तो इसको बोलते हैं ड्यूचेस, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है, ही आस्क्ड, यहाँ पर देखिए, चूज द राइट ऑप्शन चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना है, और क्वेश्चन दिया गया है, ही आस्क्ड मी आर यू कमिंग होम विथ मी, तो इसको इनडायरेक्ट में हम बनाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, ही आस्क्ड मी इफ आई एम कमिंग होम विथ हिम। अगला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का भी करेक्ट नहीं कर पाया मैं, फिर अगला इसमें जो मिलता है, इसमें आपको बोला गया करेक्ट फ्रॉम वाइस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, तो इसमें ऑप्शन नंबर ये, द कमिटी इलेक्टेड हिम कैप्टन, ये एक क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर है ये है, ही वाज इलेक्टेड कैप्टन बाय द कमिटी। अगला जो क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल हैज़ ग्रांटेड हिम अ स्कॉलरशिप, इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ही हैज
बीन ग्रांटेड स्कॉलरशिप बाय प्रिंसिपल। अगला जो क्वेश्चन है, अ पर्सन हु हैज इंटेंस अर्गर टू स्टील, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है, इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, ये होता है ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला जो क्वेश्चन है, टू फाइंड टूथ एंड नेल, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टू वॉश डर्टी लाइनन इन पब्लिक, ऑप्शन नंबर ए। टू डिस्कस प्राइवेट प्रॉब्लम पब्लिसिटी, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, डिप्सोमैनिक, ये होता है टीटो टेलर। और अगला जो क्वेश्चन है, ये मैं कन्फ्यूज, इसमें शायद दो आंसर मेरे को लगा इसलिए ऑप्शन को मैं छोड़ दिया। इसमें फिर देखते हैं अगला, हिंदी में, तो निम्न में से अंबर का पर्याय नहीं है, तो अंबक इसका पर्याय नहीं है, बाकी सब पर्याय है। अगला जो क्वेश्चन है, चुल्लीह शब्द मूल स्रोत बताइए, तो ये संस्कृत का है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो विराट जो लिखा है ऑप्शन नंबर बी। निरे मूर्ख को बहुधा किसे मुहावरे में याद किया जाता है, तो काठ का उल्लू, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है, सहस्त्रानन किस समास का उदाहरण है, तो व्याधिकरण बहुभी, इसमें जो प्रकार होता है ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अजल गगरी छलका जाए कहावत का अर्थ होता है, ज़्यादातर डिंग हाँकना, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, अल्पप्राण और महाप्राण ध्वनि का संबंध हवा की कमी बेसी से जो जो हवा बात में जो उच्चारण में जो अंतर आता है उसी को अल्पप्राण महाप्राण बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। वह चुपके से उठा और झट से चला गया, इस वाक्य में सही क्रिया विशेषण क्या है, तो ये यौगिक क्रिया विशेषण है, ऑप्शन नंबर डी। जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, वाक्यांश के लिए क्या है, स्थानापन्न, टेम्पररी जो कि आके भरा जाता है उसको स्थानापन्न बोलते हैं, ठीक। विकारी कृदंत के कितने प्रकार होते हैं, तो चार प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अभी उपसर्ग किस भाषा का है, तो ऑप्शन नंबर बी संस्कृत। वह आया हो यह वाक्य किस काल को बताता है, संभाव्य वर्तमान को, संभावना भी व्यक्त कर रहा है वर्तमान में, ठीक है। 127 का मतलब ये क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है, सही वाक्य का चयन करना है और इसमें आपका सौजन्य सबको प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर सी ये सही होगा। किंतु कलाधार ने डाला है किरण जाल क्यों उसकी ओर, किस अलंकार का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उपर्युक्त शब्द का सही विच्छेद, सही संधि विच्छेद होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं कंप्यूटर में, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है, तो क्विक हिल एंटीवायरस होता है। निम्नलिखित में से कौन से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्रोम नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्रोम क्या होता है, ब्राउजर होता है। निम्नलिखित में से कौन एक ईमेल सर्वर नहीं है, तो गूगल, गूगल क्या होता है, सर्च इंजन है, ईमेल सर्वर नहीं है। जीमेल अगर लिखा रहता तो ईमेल सर्वर होता, गूगल सर्च इंजन होता है। अगला जो है, निम्न में से कौन कोई एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो स्कैनर, स्कैनर इनपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर, मॉनिटर, मॉनिटर से देखते हैं, प्रिंटर से प्रिंट आउट लेते हैं, और प्लॉटर भी एक प्रिंट आउट करने का ही ऑप्शन रहता है, ठीक। तो स्कैनर यहाँ पर इनपुट डिवाइस जो कि नहीं है बोला है, ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर का उपयोग खाली स्थान के क्षेत्र में किया जाता है, शिक्षा में भी करते हैं, चिकित्सा में भी, बैंकिंग में, सभी में करते हैं, ठीक। किस एमएस ऑफिस में साधारणतः गणितीय गणना किया जाता है, तो एमएस एक्सेल, यहाँ पर हम फार्मूला इनपुट कर देते हैं और जैसे ही डाटा फिट करते हैं ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट कर देता है, ऑप्शन नंबर बी। सीडी का पूर्ण रूप कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। यूट्यूब का उपयोग खाली स्थान में करते हैं, तो कोई वीडियो बनाकर डालता है, जैसे मैं वीडियो बनाकर डालता हूँ, अपना वीडियो आपके साथ साझा करता हूँ और आप उस वीडियो को देखते हैं, तो दोनों ऑप्शन सही हैं, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मल्टीमीडिया दस्तावेजों में खाली स्थान होता है, तो ऑडियो भी होगा, वीडियो भी होता है, टेक्स्ट भी होता है, सभी होता है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, कौन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, ठीक। तो इसमें देखिए, जो डॉट मारता है, इम्पैक्ट करता है, ठोकर मार मार के करता है, उसको बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, तो ऑप्शन नंबर सी इंक जेट इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, या ठोकर मारने वाला नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अगला बाकी यहीं 140 तक। अगला जो जनरल नॉलेज है, मैं उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट, बहुत टाइम लग गया इसको बनाने में, उधारने के, तो आप क्वेश्चन आंसर के मिलान करके आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा कि आपका नंबर कितना आ रहा है, ताकि थोड़ा सा प्रेडिक्शन कर सकूं कि कट ऑफ मार्क कितना जा सकता है। तो जितने भी दोस्त हैं, सभी जो जितने भी वीडियो देख रहे हैं, सभी से अनुरोध करूंगा कि अपना मार्क मिला के अपना कितना मार्क गेन कर रहे हैं, सभी कोई मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करके बताइए कि इसका आंसर की, मतलब जो सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का आंसर की ये है, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।